गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक होगा हमारा बायो और एक होगा हमारा मॉलिक्यूल्स। बायो मींस लाइफ, मॉलिक्यूल्स मींस बहुत सारे एटम ज्वाइन होके कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लाइफ और एटम, बायोमोलिक्यूल्स मीन लाइफ और एटम्स, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स आर नेचुरली अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सेल्स, अब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर और क्या क्या होते हैं? मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फर और फॉस्फोरस, ठीक है। अब हम आते हैं सेल्स के अंदर क्या क्या होता है। हमारा आयंस होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल्स में क्या कितने कितने परसेंट प्रेजेंट होता है। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं वाटर। वाटर हमारा सेल्स में सबसे ज़्यादा होता है, 70% वाटर होता है, ठीक है। और हमारा प्रोटीन होता है 15%, जो कि एज ए अमाइनो एसिड फॉर्म में, ठीक है। और हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा 3%, जो कि लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। लॉन्ग चेन होती है कार्बोहाइड्रेट की सेल्स के अंदर। लिपिड्स हमारा होता है 2% होता है, जिसे वो फैटी एसिड के फॉर्म में होती है। और न्यूक्लिक एसिड हमारा 6% होता है, किसके फॉर्म में? DNA और RNA। लास्ट हमारा है आयंस, वो हमारा 4% होता है, ओके। अब हम आते हैं बायोमोलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन। अब बायोमोलिक्यूल्स कितने में क्लासिफाई होंगे? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मैं बता चुकी हूँ, आगे मैं लेक्चर लिपिड का बताऊँगी, प्रोटीन का बताऊँगी और अमाइनो एसिड वगैरह सबका बना दूँगी, ठीक है। बाकी इसका जो भी आप लिखना होगा नोट्स, मैं इसके नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी ये तो बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैं चाह रही थी कार्बोहाइड्रेट से पहले बना दूँ, बट कोई नहीं, बाद कार्बोहाइड्रेट पहले अपलोड कर दिया, ये मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं क्या नहीं, ठीक, ओके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और थैंक यू सो मच।